क्या आप एनाबेला डॉल के बारे में जानते हैं? और कुछ लोग इसे एनाबेले भी कहते हैं। और इस भूथा डॉल की यह असली कहानी है, जो कि बेहद डरावनी है। इस डॉल पर आधारित हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काफी हॉरर फिल्में बन भी चुकी हैं। और इन फिल्मों में जिस तरह डॉल की कहानी दिखाई गई है, वो असल में मौजूद भी है। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, कॉन्ज्यूरिंग, जिसकी हॉरर थीम इसी पर आधारित थी। इस फिल्म में एक हॉन्टेड गुड़िया को दिखाया गया था। हालांकि इस डॉल की असल कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से कई गुना ज़्यादा डरावनी है। और वर्तमान में यह डॉल यूनाइटेड स्टेट्स के वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास के शोकेस में बंद है। जिस शोकेस में यह गुड़िया बंद है, उस शोकेस के बाहर चेतावनी के तौर पर यह लिखा भी हुआ है कि इसे न खोलें। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के मुनरो कनेक्टेड स्थित ऑकल्ट म्यूजियम में आज भी एनामेल नाम की डॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। इस डॉल से जुड़ी असल घटनाएं साल 1970 की है। इसी दौरान पहली बार दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को इस डॉल के साथ जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला था। असल में इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1970 में डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ ने बर्थडे पर यह डॉल गिफ्ट की थी, जब डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी एक फ्रेंड्स के साथ रहती। शुरू में तो सब कुछ ठीक था और किसी को कुछ समस्या भी नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी और इस डॉल में खुद ब खुद मूवमेंट्स होने लगी। उसे जिस जगह पर रखा जाता था, वो कभी भी अपनी जगह पर नहीं मिलती। यहाँ तक कि कई बार यह डॉल दूसरे कमरे तक में मिलने लगी। इसके कुछ ही दिन बाद घर में जगह जगह चेतावनी और हेल्प के भी संदेश मिलने लगे, जिनमें लिखा रहता था हेल्प मी। और डोना का डर तब और बढ़ गया जब उसने एनामेल डॉल के पेट पर इंसानी खून को देखा। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेंस को भी कई बार इस डॉल पर खून के धब्बे दिखे, लेकिन इसका कभी भी कोई जवाब नहीं मिल सका है। डॉल की इन एक्टिविटीज़ के खौफ के चलते दोनों फ्रेंड्स ने कई बार इससे छुटकारा पाने की भी कोशिश की, लेकिन इसे कहीं बाहर रखने पर भी यह हर बार घर के अंदर ही पाई जाती थी। और डॉल ने तो कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर हमला भी किया। यहाँ तक कि इस डॉल ने डोना के कुछ दोस्त को जान से मारने तक की कोशिश भी की। दरअसल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि यह डॉल किसी इंसानी शरीर के तलाश में थी। और इतनी घटनाएं हो जाने के बाद आखिरकार डोना ने उनसे संपर्क किया और इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद एड और लॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और इस कार को ले जाते वक्त ड्राइविंग कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल भी हुए थे। और इसे म्यूजियम में लाने के बाद एनाबेल को एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया गया, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं एक जगह फंसी रहती है। कई बार इसके बारे में यह अफवाहें भी फैलती रहती है कि यह म्यूजियम में नहीं है। हालांकि यह होता भी रहा है, परंतु वर्तमान में यह डॉल वॉरेंस ओकल्ट म्यूजियम में ही है और इससे किसी को खतरा नहीं है।